नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSE फेल हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आज मैं आपको आधार सेवा केंद्र के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आज का वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, अतः वीडियो आप पूरा देखिएगा और समझिएगा कि कैसे आधार सेवा केंद्र आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्द आधार सेवा केंद्र मिलना शुरू होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस महत्वपूर्ण अपडेट को जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबर मिलती रहती है, तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस महत्वपूर्ण अपडेट को जान लेते हैं। दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए आप आ जाएंगे ट्विटर पर। जब ट्विटर पर आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा आधार कार्यालय पश्चिमी क्षेत्र। आप देख सकते हैं यहाँ से ट्वीट किया गया है आधार कार्यालय पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ लिखा गया है UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ने महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय DIT और CSE के साथ 2 अगस्त 2022 को महाराष्ट्र में ब्लॉक स्तर ASK के प्रसार के लिए एक बैठक आयोजित की। ASK मतलब हुआ आधार सेवा केंद्र, यानी आधार सेवा केंद्र के प्रसार के लिए मुंबई में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसमें यह रखा गया है कि फुल आधार केंद्र जल्द से जल्द सभी VLE को प्रदान किया जाए। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यदि आप महाराष्ट्र के VLE हैं, तो महाराष्ट्र के सभी VLE को फुल आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए एक बैठक भी आयोजित हो चुकी है और बहुत जल्द यह मिलना चालू भी हो जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि फुल आधार केंद्र मिल जाने के बाद आप आधार से सारे काम कर सकते हैं। नया आधार कार्ड बना सकते हैं, इसका डेमोग्राफी अपडेट कर सकते हैं, जैसे नाम पता सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। यानी जब आप नया आधार कार्ड बनाने लगेंगे तो सारे काम आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब मुंबई में यह काम, महाराष्ट्र में यह काम शुरू हो जाएगा और सभी VLE को वहाँ ब्लॉक स्तर पर आधार केंद्र मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। दोस्तों, अभी लगभग सारे राज्यों में UCL के काम चल रहा है, जिसमें VLE डेमोग्राफी अपडेट करते हैं, वे नया आधार कार्ड नहीं बना पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे सारे राज्यों में सभी VLE को आधार सेवा केंद्र मिलना चालू हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ऐसा बैठक आयोजन हुआ और यह बैठक अब सब राज्यों में धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके पास पहले से कुछ डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। आप जैसे आधार एग्ज़ाम पास कर लीजिए, सुपरवाइजर ऑपरेटर का एग्ज़ाम पास कर लीजिए, उसमें आपको 55 नंबर मंगाने होते हैं, 55 नंबर आपका आ जाएगा तो सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर आप आधार एग्ज़ाम पास कर जाइए। इसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है, उस वीडियो को देख लीजिए। टोटल क्वेश्चन वहीं आता है जो मेरे चैनल पर अपलोड किया गया है, नए पैटर्न पर आधारित है, सेम वहीं क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो आधार एग्ज़ाम तो पास करना ही होगा, साथ ही साथ आपको क्या करना होगा कि आप IIBF एग्ज़ाम भी पास कर लें, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहले से सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए, तभी जाकर के आपको आधार सेंटर मिलेगा। क्योंकि इसके पहले भी आपको पता होगा, UCL जब अप्लाई चालू हो रहा था तो जो VLE पहले अप्लाई कर लिए थे उन्हीं को मिला था UCL, बाद में बाकी VLE जो लास्ट में अप्लाई किए उनको लगभग को नहीं मिला था। इसलिए यह मिलना चालू होगा, इसके पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यही एक सूचना देना था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय VLE साथियों।